दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। मैं हूं आपका दोस्त भरत जांगिड और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। दोस्तों आज हमारे पास है देखिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स का मोनोब्लॉक पंप, जो कि आप देख पा रहे हैं पूरा स्पेयर इसका खुला हुआ है काउंटर पे आपके सामने। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि जो काफ़ी ओल्ड मॉडल का जो 1 HP का मोनोब्लॉक पंप है, जिसका मॉडल है मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन प्लेट काफ़ी पुरानी है, बाकी इसके ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है। ये 1 HP का मोटर है और जो मॉडल है इसका DMB 110 इसका मॉडल है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मोटर है। 120 MMD का इसमें जो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा हुआ है वो इसमें मात्र एक ही कैपेसिटर इसमें यूज होता है। वाइंडिंग इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों वाइंडिंग के अंदर पूरा एफ क्लास का जो स्लीव है वो इसमें यूज किया है और जो कॉपर का वायर है वो भी बिल्कुल ब्रांडेड इसमें यहाँ पे देख पा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का, जो कि BIC कंपनी का यहाँ पे हमने यूज किया है। इसके अंदर PVC इसमें 7 नंबर का यूज किया है और मोटर की जो वाइंडिंग आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल की और बिल्कुल साफ सुथरी हुई है। तो ये है ऑयल सील दोस्तों, इसमें जो हम लगाने वाले हैं डायमंड कंपनी का है और 16 mm के ऊपर यहाँ पे टिक है। तो 16 mm का जो ऑयल सील है हम इसमें यहाँ पे लगाने वाले हैं। इसका जो गवर्नर सेट है ये भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं गवर्नर सेट भी इसका हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इसका जो गवर्नर सेट है वो भी ख़राब हो रखा है। और ये देखिए जो इसकी क्वार्टर पिन होती है, जो कि चाबी बोलते हैं जिसको हम एम्पलर की, तो ये भी हम इसमें नया डालेंगे। और 2 बैरिंग है इसमें जो कि हम TKP के यहाँ पे डालने वाले हैं। इसमें दोनों बैरिंग दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, 6203 नंबर के 2RS के जो बैरिंग है वो इसमें हम यहाँ पे बिल्कुल नए इंस्टॉल करने वाले हैं। जो शाफ्ट है इसकी जो लंबाई आप देख पा रहे हैं बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा लंबाई है। और देखिए यहाँ पे ब्रास से हमने इसको यहाँ पे रिपेयर कराया है शाफ्ट को, जो कि चाबी का जो कट है यहाँ पे वो ख़राब हो रखा था और यहाँ से जो ऑयल सील रहती है वहाँ पे भी गली हुई थी, तो इसको भी हमने यहाँ पे खरादी से इसको टर्न करा के तैयार करा लिया है रूटर को। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए जो इसका गवर्नर सेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जंग खाया हुआ है। बिल्कुल मोटर थी जो काफ़ी पुरानी थी, जो कि कबाड़े में पड़ी हुई थी। तो इस कंप्लीट जो सामान है पूरा हेड एम्पलर सील वगैरह पूरा, और यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हेड का जो प्लेट है एम्पलर इसका डैमेज है, उसको हम नया डालेंगे, जो कि हमने मार्केट से नया परचेज कर लिया है। और जो प्लेट है, दोनों प्लेटें इसकी हमने यहाँ पे खरादी से इनको दोनों को फेस करा लिया है। तो दोस्तों मोटर काफ़ी ज़बरदस्त बनने वाली है और मोटर 1 HP का मोटर है, काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रेशर काफ़ी अच्छा आता है। तो दोस्तों इस हेड की कंप्लीट सेटिंग और कंप्लीट पूरा सामान यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है इसका पुराना एम्पलर और ये है हमारा नया एम्पलर। तो देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मोटर के अंदर खर्चा आने वाला है और पूरा काम इस मोटर के अंदर कंप्लीट होने वाला है। तो पूरी मोटर को रिस्टोर आज हम इस वीडियो में आपको करके दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट हो चुका है, पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि कोई जानकारी आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों गवर्नर को हमने निकाल दिया है, इसके बाद में यहाँ पे बैरिंग सीट का लॉक लगा हुआ है उसको भी निकाल दिया है, गवर्नर को हमने निकाल दिया है पुराने को। तो सबसे पहले हम नया गवर्नर इस पर लगाएंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, क्योंकि इसी टाइप की नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों देखिए गवर्नर को नीचे दबाकर उसके ऊपर हमने यहाँ पे कपड़ा लगा दिया है, जो कि बैकलाइट है गवर्नर की, ताकि ये टूटे नहीं। और इसको यहाँ पे हमने पूरा ठोक के सीट पे बिठा दिया है इसको। तो ध्यान रखें कपड़ा लगाकर ऊपर से पाइप लगाकर हमने इसको ठोक के सेट किया है। इसके बाद में लॉक को हमने यहाँ पे लगा दिया है, जो कि बैरिंग सीट का लॉक है, ताकि बैरिंग है जो गवर्नर के टच नहीं हो और बैरिंग अपनी जगह पे रुक जाए। बैरिंग को यहाँ पे हमने खोल लिया है और यहाँ पे देखिए बैरिंग की जेड को निकाल लिया है, क्योंकि हम सभी जो भी कोई बैरिंग इसमें इंस्टॉल करते हैं किसी भी मोटर में पंखे में, तो उसमें हम यहाँ पे ग्रीस का यूज जरूर करते हैं, क्योंकि बैरिंग की जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाती है, लगभग 3 गुना लाइफ बैरिंग की हो जाती है। तो TKP का जो रेड वाला ग्रीस है काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों बैरिंग के लिए, उसका हम यहाँ पे यूज़ करें। दोनों बैरिंग के अंदर हमने ग्रीसिंग कंप्लीट कर दिया है। और ये देखिए पीछे वाला जो 6203 नंबर का बैरिंग है उसको यहाँ पे हम लगा देंगे। बैरिंग को यहाँ पे पुश लगाकर इस टाइप से पूरा सीट के ऊपर सेट कर देंगे। तो बैरिंग हमारा एक लग चुका है, गवर्नर लग चुका है, ये है दोस्तों ये देखिए। अब आगे वाला जो बैरिंग है उसको लगाने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे जो प्लेट है बैरिंग के पीछे वाली, जो कि पार्ट में कसने वाली है, उसको लगाना है। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों बैरिंग सीट का जो लॉक है पीछे वाला उसको हमने लगा दिया, ताकि बैरिंग पीछे नहीं जाए। इसके बाद में बैरिंग को ठोक कर सेट कर दिया है।
तो यहाँ पे दोस्तों आगे भी इसके लॉक लगने वाला है, बैरिंग के आगे भी एक लॉक लगा दिया है ताकि बैरिंग बिल्कुल फिक्स रहेगा। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए आगे वाला जो हेड वाला जो मोटर का कवर है, मोटर का जो कवर है इसको यहाँ पे हमने साफ़ कर लिया है। और सबसे पहले आगे वाला कवर यहाँ पे हम अब लगाएंगे, तो कवर को यहाँ पे हमने लगा दिया है। कवर को ऊपर से थोड़ा ठोक लेंगे इसको, तो ठोक कर पूरा कवर हमने सेट कर दिया है। पीछे से इसके जो यहाँ पे दोस्तों प्लेट को पूरा सेट करने के बाद में आगे से यहाँ पे 8 नंबर 1 इंची के 2 पेच लगने वाले हैं जो कि आगे की तरफ से यहाँ से लगेंगे। तो यहाँ से दोनों पेचों को हम बिल्कुल बराबर से पूरा टाइट कर लेंगे ताकि जो बैरिंग सीट और बैरिंग पूरा एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे घुमाकर भी एक बार चेक कर लेंगे, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पूरा सेट हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए जो पीछे वाला पार्ट है इसका क्लच प्लेट, इसको भी हम यहाँ से इसके जो वायर डैमेज थे उनको हमने चेंज कर दिया है और जो नए वायर लगाए उसके ऊपर हमने 3 नंबर सिल्यू लगा दिया है। कवर के अंदर यहाँ पे दोस्तों देखते हैं बैरिंग की सीट के अंदर 3 नंबर का जो स्पेसर वाशर है जो कि मोटर को बिल्कुल सेट रखता है उसको निकाल दिया है और सीट को पूरा साफ कर लिया है। और ये है वो स्टेटर जो कि हमने इसको वाइंडिंग किया है। इसके बाद में दोस्तों रोटर को मोटर के अंदर डालेंगे काफ़ी सावधानी से ताकि कोई पेपर वगैरह कटे नहीं, वायर नहीं कटे। और यहाँ पे दोस्तों 4 स्टड इसके अंदर से डलने वाले हैं क्योंकि पाइप बॉडी का ये मोनोब्लॉक है, चारों स्टड यहाँ पे लगाकर सेट कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद में आगे से हेड को यहाँ पे बराबर से ठोक लेंगे पूरी प्लेट को यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों आगे वाला इसका कवर है जो हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है, रोटर लग चुका है। इसका ध्यान रखें हमेशा पीछे वाले जो कवर के अंदर जो कि स्पेसर वाला वाशर है इसको काफ़ी ज़रूरी होता है लगाना। और ये देखिए इसका 100-120 mfd का जो कि स्टार्टिंग कैपेसिटर इसमें यूज होता है उसको भी यहाँ पे हम लगाकर सेट कर देंगे क्योंकि इसके वायर है जो कनेक्शन बॉक्स में अंदर से ही आते हैं तो यहाँ पे इसके वायर के ऊपर भी सिल्यू का होना काफ़ी ज़रूरी है। इसका बॉक्स भी पूरा टाइट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये क्लच प्लेट के वायर हैं ब्लू कलर के, इनको भी बाहर निकाल लेंगे कनेक्शन बॉक्स के अंदर। और जो बैक कवर है इसको पूरा हमने यहाँ पे सेट कर दिया है और पीछे से इसको यहाँ पे ठोक कर पूरा लगा दिया है। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए हुक आप देख पा रहे हैं इसमें जो कि जो इसका फैन कवर है उसका फैन कवर के हैंगिंग करने के लिए यहाँ पे स्टड के अंदर हुक लगाए हुए हैं इनके ऊपर भी हमारा, और चारों जो स्टड हैं उनको हम पूरा टाइट कर लेंगे। मोटर को घुमाकर चेक कर लिया है, मोटर एकदम सेट हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए ऑयल सील के लिए यहाँ पे एक लॉक लगने वाला है जिसके ऊपर हमारी ऑयल सील रुकेगी क्योंकि इस मोटर के अंदर अलग ही टाइप का सिस्टम आता है। बाकी इसमें हम 16 mm की सील आसानी से लगा सकते हैं। तो ये देख पा रहे हैं 16 mm जो इसका स्टोन है उसके ऊपर लगा हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए लॉक के बाद में एक प्लेन वाशर लगा देंगे, शाफ्ट के ऊपर थोड़ा सा ग्रीस का यूज करेंगे, इसके बाद में यहाँ पे सील को यहाँ पे लगाकर सेट कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए सील को हमने लगा दिया है। इसके बाद में जो हेड है इसका, हेड के अंदर यहाँ पे दोस्तों देखिए ब्रास का जो नीचे बुश यूज होता है इसमें, और सबसे कमाल की बात है इसमें देखिए शाफ्ट के ऊपर पहले सील लगती है और हेड ऊपर से लगाया जाता है। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये देखिए ब्रास का जो बुश लगा हुआ था इसमें हमारे स्टोन की जगह जो कि पिंक वाला स्टोन होता है, वाइट स्टोन होता है हमारा ऑयल सील का। और ये देखिए फाइबर का जो इसके ऊपर बुश चलता है तो ये पूरा सिस्टम इसका हमने हटा दिया है। इसके बाद में सिंपल जो ऑयल सील है हमारी उसका जो पिंक वाला यहाँ पे स्टोन है उसको यहाँ पे लगाकर सेट कर देंगे। क्रिस लगाकर इसको सेट करके ऊपर से देखिए स्क्रू ड्राइव के हैंडल से हमने इसको पूरा ठोक कर सेट कर दिया है। बिल्कुल 16 mm की सील इसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट आती है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑयल सील को बिल्कुल हेड लगाकर चेक कर लेना है, बिल्कुल ऑयल सील के ऊपर प्रेशर आपका आना चाहिए, ऑयल सील आपकी पूरी दब जानी चाहिए। तो दोस्तों हेड नहीं लग पा रहा है क्योंकि नीचे जो इसका मोटर का जो बेस लगा हुआ है उसको यहाँ पे हमें खोलना होगा क्योंकि ये आगे की तरफ से अड़चन कर रहा है। तो हेड को हम वापस यहाँ पे लगाकर सेट कर देंगे और यहाँ पे देख लें दबाव पूरा आना चाहिए सील के ऊपर, वरना सील के नीचे और वाशर आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे दबाव थोड़ा सा कम लग रहा है तो सील को हम यहाँ पे वापस निकालेंगे और यहाँ पे इसमें 1 या 2 वाशर इसमें और बढ़ा देंगे ताकि सील बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पूरे प्रेशर से आगे का जो स्टोन है उसके ऊपर प्रेशर रखे। और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीस का यूज भी कर देंगे ताकि मोटर बिल्कुल फ्री चलेगी। और लगाकर यहाँ पे हेड को चारों बोल्टों को यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए इसकी सील बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लगती है, बिल्कुल हेड
पहले हेड से पहले इसकी पूरी सील की सेटिंग देखनी होती है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें यहाँ पे। तो इसकी जो सील है दोस्तों, जल्दी से गलती भी नहीं है क्योंकि पूरी हेड से बाहर होती है, इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इस मोटर के अंदर फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, इस मोटर को ड्राई बिल्कुल नहीं चलाएं क्योंकि सील इसकी हीट ज़्यादा खाती है क्योंकि हेड से बाहर होती है। इसके अंदर दोस्तों तीन हेड की जो पैकिंग है यहाँ पे लगने वाली है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 7 नंबर के पैकिंग पेपर का हमने यहाँ पे यूज किया है और 3 पैकिंग हमने इसकी बना ली है। तो यहाँ पे दोस्तों पहली जो पैकिंग है उसको हम यहाँ पे ग्रीस का अप्लाई करके यहाँ पे सेट कर लेंगे, जो कि इसका कवर लगने वाला है हेड का। और ये देख लें जो इसका मार्किंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 मार्किंग है इसके अंदर, एक ऊपर की तरफ रखना है आपको और एक आपको रखना है राइट हैंड की तरफ। और ये देखिए इसको हमने पूरा ठोक कर सेट कर दिया। इसके बाद में दोस्तों ये चाबी है, इसको भी सबसे पहले यहाँ पे चाबी को लगाकर, थोड़ा टाइट है तो इसको यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल नीचे सपोर्ट लगाकर आपको ऊपर से पूरा सेट कर लेना है। तो इसके बाद में दोस्तों ये देखिए एम्पलर का उभरा हुआ हिस्सा है, उसको बाहर की तरफ रखना है और यहाँ पे लगाकर इसको पूरा पीछे की तरफ पूरा पूरा ठोक देंगे। इसको हल्का सा गैप रखना है बिल्कुल, मात्र आपको बिल्कुल पेपर जो कि हमारा नोटबुक का पेपर होता है इतना ही गैप रखना है ताकि मोटर जाम नहीं हो बस। इसके बाद में जो 2nd नंबर पैकिंग है इसकी एम्पलर के साथ लगने वाली है, इसको भी यहाँ पे हमने ग्रीस लगा के अप्लाई कर दिया है क्योंकि ग्रीस लगाने से पेपर है जो वाटरप्रूफ हो जाता है, गलता नहीं है। और जो यहाँ पे देख पा रहे हैं पॉइंट, एक ऊपर किया इसका हमने और एक इसका राइट हैंड पे है, तो आगे वाला जो पार्ट है इसका आपको ध्यान रखना है, एक ऊपर करना है एक लेफ्ट साइड करना है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं जो दोनों हमारे इसका चैम्बर है, दोनों के होल है जो क्रॉस में आने चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों इसका होल राइट साइड है और हमारे नीचे वाले प्लेट का लेफ्ट साइड आया है बिल्कुल इसके साथ ही। तो यहाँ पे फाइनल वाली जो पैकिंग है इसकी टॉप वाली, उसको यहाँ पे हमने लगा दिया है। इसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आगे वाला जो इसका हेड है फाइनल वाला, इसको यहाँ पे लगाकर सेट कर दिया है। और यहाँ पे जो इसके स्टड हैं, चारों स्टड हम यहाँ पे लगाकर सेट कर देंगे, चारों स्टड बिल्कुल बराबर से टाइट करेंगे। मोटर को हाथ से भी घुमाकर आपको चेक करते रहना है, जाम नहीं होनी चाहिए। तो दोनों चारों स्टड आपको बिल्कुल आमने सामने प्रॉपर तरीके से टाइट कर लेने हैं। मोटर की जो हेड और मोटर की फिटिंग है जो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, तो दोस्तों मोटर के कनेक्शन और यहाँ पे टेस्टिंग, एम्पियर टेस्टिंग सबके लिए नेक्स्ट पार्ट काफ़ी जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा किसी भी पावर टूल या किसी भी होम लाइसेंस मोनोब्लॉक की आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।